Wondrous Army. A Wondrous Army. A Wondrous Army. Thank you.
Wondrous Army. The Wondrous Army. The Wondrous Army. The Wondrous Army. मैं एक आर्मी हूँ लेकिन टूरिस्ट बन के आया क्योंकि यहाँ में टूरिस्ट लोग के लिए बहुत खतरा है। जो टूरिस्ट आता है यहाँ मारा जाता है, आपस नहीं जाता। मगर क्यों, इस जगह में क्या है रहस्य? इसलिए मैं यहीं पता करने के लिए आया। आर्मी हूँ ना, जहाँ तक मर जाने पड़ता है। कोई लोग मुझे पीछा कर रहा है और मुझे मारने चाहता है, जरूर कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है और वो क्रिमिनल का साथी वो लोग है जो मुझे मारने के सोचता है। जंगल में रहता है आदिवासी और जंगली आदमी, लेकिन आदिवासी को वो लोग अटैक नहीं करता क्योंकि आदिवासी जंगल से बाहर नहीं होता। टूरिस्ट और जो सिटी का आदमी आता है इस लोग को वो लोग अटैक करता है, जंगल के भीतर आने नहीं देते। इसलिए क्योंकि जो इसको मालूम हो जाएगा जंगल टूरिस्ट और सिटी आदमी का, वो बहुत स्मार्ट है और वो जाके इसको देख के बड़ा निज बन जाएगा जो निज इसके लिए खतरा है। मैं एक आर्मी हूँ लेकिन आर्मी में हिंदी बोलना ज़रूरी है क्योंकि हर इंसान हिंदी मालूम होता है लेकिन अंग्रेजी हर इंसान का मालूम नहीं होता है और रीजनल लैंग्वेज में यहाँ कुछ नहीं चलता। इसलिए हमारे बड़ा साहब बोलो ये आर्मी हिंदी बोलो, हिंदी भूलने का कोई बात नहीं लेकिन हम समझ जाएंगे। इसलिए हिंदी बोलना बहुत ज़रूरी आर्मी में। इसलिए मेरा हिंदी ठीक ठाक नहीं आता फिर भी मैं हिंदी बोलता हूँ और बोल के मैं थोड़ा हिंदी सीख गया। कुछ भूल हो जाए तो कोई बुरा बात नहीं क्योंकि हमारा जो बड़ा साहब मेजर था जो हिंदी बोलो और कोशिश करो हिंदी बोलने के। मैं भी हिंदी भाषी नहीं लेकिन हिंदी जानता हूँ और सीखता हूँ और तुम लोग भी सीखो क्योंकि हिंदी में सब आर्मी में बातचीत होता है। यही करना और भूल लेने दो, कोई बात नहीं, हम समझ जाएंगे ना। समझने के लिए भाषा है भाषा। हाँ, ग्रामर को गोली मारो ना, ग्रामर क्या है चीज़, पहले भाषा सीखते इसके बाद ग्रामर होता है। भाषा नहीं सर लेकिन गामा नहीं सर नहीं देख के जंगली जानवर भाग गया क्योंकि आदमी का जंगली जानवर का डर है, इसलिए जंगली जानवर भाग जाता है जंगल से। आदमी दूर से गोली मारता है ना इसलिए जंगली जानवर सब पता है। जंगली जानवर बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है, आदमी देख के भाग जाता है। मेरा भी जंगली जानवर का लेकिन कोई डर नहीं है लेकिन आदमी का डर है क्योंकि आदमी बैकसाइड में गोली मारता है, इसलिए जंगली जानवर कोई डर नहीं है। हमारा बड़ा साहब मेरा हिंदी सुन के उठा, मैं बोला सर को पहले गामा कुछ होता नहीं, पहले भाषा सीखते क्या भाषा बनने के लिए पहले तो गामर सृष्टि होना चाहिए लेकिन पहले तो गामर सृष्टि नहीं हुआ। इसलिए हम बोलता है सर को जब शुद्ध भाषा बोलने की जरूरत है तो पहले गामर सृष्टि होना चाहिए। गामा तो पहले सृष्टि नहीं हुआ, पहले भाषा सृष्टि होता है इसके बाद गामा। मेरा बात सुन के खान साहब सर हंसते हैं, अच्छा लगता है। कोई जंगली जानवर है क्या? जंगली जानवर है कोई ना, कोई इंसान देखता हूँ। हाँ सर बोलिए। हाँ सर मैं जंगल में हूँ, वो तो बहुत बड़ा खतरा है सर, वो तो माठो भील है। पहले मैं सैन्य बॉर्डर में काम करता हूँ, बॉर्डर आर्मी अरुणाचल में काम करता हूँ। कभी इधर कभी उधर, कभी जम्मू कश्मीर, कभी बॉर्डर, इसे जाना ही पड़ेगा ना। लेकिन यार में तो जंगली आदमी का घर नहीं, सब क्रिमिनल का उड़ा डूंगा साले। The Wondrous Army. The Wondrous Army. यह मतलब बहुत सुंदर झील है, अरे बाप रे बाप, पर ऐसा झील में कभी नहीं। मेरा पानी का बोतल भी खत्म हो गया लेकिन पानी पीने के लिए पानी पीने।
सजील है, पीने के लिए बहुत मजा आएगा। पीके देखता हूँ क्या है। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। कुछ टाइम चलेगा। इस जंगल में कौन है? वो साला तुली से अभी अभी इसका गर्दन काट दिया, अभी इसका गर्दन काट दूंगा। अरे तुम किसी का गर्दन काट के अरे मुझे काटने के लिए आए हैं? अरे चाइना बॉर्डर में चाइना आर्मी हमको परेशान करता है, पाकिस्तान बॉर्डर में पाकिस्तान आर्मी हमको परेशान करता है, बांग्लादेश का बॉर्डर में बांग्लादेश का आर्मी हमको परेशान करता है। ठीक है वो बॉर्डर का बात है, लेकिन यहाँ देश का भीतर तुम हमको काटने के लिए आर्मी को काटने के लिए तुम, अरे हम देश सुरक्षा करते हैं, तुम हमको काटने के लिए है? अरे तुम साकू वाला तो मैं तो पिस्तौल वाला हूँ भाई, मैं पिस्तौल वाला, मैं डरता नहीं, क्योंकि मैं एक आर्मी हूँ, आर्मी आर्मी समझ गया तुम? साल तो है थोड़ा, लेकिन समझ लेकिन साल को लेकर नाश्ता जरूरत है। हो जाएगा, हाँ पर गया साला, हो गया मेरा नाश्ता। साल मजा आता है, जंगल का खाना थोड़ा रुचा है और घर का खाना रुचा है, ये जंगल का खाना सबसे बड़ा अच्छा लगता है मुझे खाने। थोड़ा रुकता रेस्ट लेता हूँ, थोड़ा पानी भी पीता हूँ। अरे पेड़ के ऊपर रहने की जरूरत नहीं है तो संघर मिल गया मैं, क्या सुंदर बात है। कोई शिकारी इधर में संगर बना के रख दिया, लेकिन शिकारी भाई तुम्हारा संगर हमारा काम आ गया, सब नाश्ता खत्म हो गया अभी। और मेरा अभी तो जंगली जानवर मार के खाने पड़ेगा, यही मेरा रास्ता, दूसरा रास्ता कोई नहीं। तो एकदम किसी का मित्र के बहुत सुंदर शिकार, किस दुनिया में दूसरे दूसरे को खाके जिंदा रहता है। जंगल में मेरा दूसरा रास्ता नहीं, नाश्ता खत्म हो गया, चावल भी खत्म है, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अभी यही खाने पड़ेगा, यही खाने पड़ेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मजा लगता है। मजा ही मजा, अभी डरने को कोई जरूरत नहीं, ना सीटा आएगा इधर, ना एलिफेंट, ना टाइगर आएगा, कोई नहीं आएगा। सुबह ने कैसे ले जाऊंगा मैं यहाँ से, और झील पार हो गई सुबह हो गया, अभी तो जाना पड़ेगा क्योंकि मैं झील पार होकर चले जाऊंगा। रात नींद ठीक नहीं है, फिर भी चलेगा। झील में सफर करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वो झील बहुत बड़ा झील है, लेकिन दुश्मन ज्यादा है ना, मेरा पीछे तो दुश्मन लग गया। सारा जंगल तो साफ कर दिया, जानवर रहने के लिए कोई जगह नहीं है,
हमारे इंसान में गाँस सब काट कर खत्म हो गया। एक दिन वही पृथ्वी हमारा मंगल ग्रह की तरह होगा जहाँ इंसान कोई नहीं। अरे पानी जब नहीं रहता इंसान कैसे रहेगा? ऐसे मंगल ग्रह की तरह हो जाएगा वो ग्रह पृथ्वी, जिसमें कोई जानवर नहीं, कोई नहीं, कोई गौस भी नहीं, सिर्फ सुकान है, सुकान सुकान सुकान। कोई सुखे भी रह सकते हैं, इसलिए हमें बड़ा रेफर मिलता है। बहुत डेंजरस जगह मिलता है, फिर भी जाने ही पड़ेगा। देखता हूँ क्या होता है। जंगल में जब सफर करता है इसलिए वन औषधि के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, ये हमें बहुत काम आता है। वाह क्या सुंदर लड़की, किसर में खिलती है कमल कली, हाथों में खिलती है गुलाब कली, और जंगल में रहती है रुकती है। मन फिसल गया
फिसल गया, फिसल गया मन, फिसल गया, फिसल गया मन, फिसल गया, फिसल गया मन, फिसल गया। इस दिनों में दूसरे दूसरे पर खाकर रहता है। पुराना जमाने का बात है, जो पूर के खाते हम भी खाते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। मैं कभी जब शहर जाता, इस समय मैं बहुत लड़कियां शहर में देखता हूँ, और वो पहाड़ी लड़की देख के मेरे दिल में बहुत सुंदर भावना आ रहा है, जो शहर में घूम के रहता है और मुझे वो लाइन मार के रहता है, और मैं भी इसको लाइन मार के रहता हूँ। नाम तुम्हारा क्या ना जानू मैं, जानना चाहता हूँ मैं। समुंदर से नील तुम्हारी आंखें, मिलना मुश्किल ऐसी आंखें, देख के प्यार जागा दिल में, दिल का डर खुला हूँ मैं, दिल का डर खुला हूँ मैं, सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। नाम तुम्हारा क्या ना जानू मैं, नाम तुम्हारा क्या ना जानू मैं। नहीं देखा मैं, साता हूँ मैं तुम्हें।
ना जानू मैं नाम तुम्हारा क्या ना जानू मैं जानना साता हूँ मैं तुम्हारा नाम क्या खतरा है क्या? ना जंगल नहीं जाना है। खतरा जो जाता है, वो मारा जाता है। हाँ, मैं जानता हूँ। वही रोहित को जतन करने के लिए गया। ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन सावधान से जाइए। ठीक है, हम तो जाने ही पड़ेगा। जो रोहित साहब ने जतन करने के लिए आया, वो तो करने ही पड़ेगा। आप कौन? वो कहाँ से आए हैं? मैं तो आर्मी। आर्मी क्या है? सैनिक सैनिक मालूम है सैनिक सैनिक अच्छा तुम गोली मारने वाले हाँ हाँ मुझे सैनिक बहुत पसंद है जी भी तुम्हारा बात सुन के बहुत मजा आया हेलो कैप्टन तुम कहाँ हो हाँ सर मैं जंगल में हूँ पहाड़ी लड़की के साथ बात कर रहा हूँ रोमांस कर रहा हूँ पहाड़ी लड़की के चक्कर में पड़ता है तुम अरे पहाड़ी लड़की कटेगा अरे सर नहीं कटेगा सर नहीं कटेगा वो काटने वाला लड़की नहीं वो तो प्यार करने वाला लड़की है प्यार 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 बहुत सुंदर है सर अरे शट अप क्या है ये फोन है फोन फोन हम फोन करें जा जब दिन बजेगा ना हाँ वो बटन टिप के काम देंगे सुनो क्या इधर में कोई बम नहीं है हम बम मर समझ नहीं आते तुम्हारे लिए बम नहीं है सुनो क्या हेलो तुम्हारा नाम क्या है हेलो हाँ तुम्हारा नाम क्या है ऐसे नहीं तुम जवाब कर देना हाँ जवाब करना हाँ ठीक है तुम्हारा नाम क्या है मेरी नाम माधुरी है हेलो माधुरी आई लव यू का मतलब क्या है मैं प्यार करता हूँ आई ऑल्सो लव यू जो लड़की आई लव यू का मतलब नहीं जानता और वो आई ऑल्सो लव ऑल्सो कहाँ से माधुरी तू अंग्रेजी जानता है क्या तो ऑल्सो कैसे व्यवहार किया तो हमारे पहाड़ी शब्द है शहर का लड़का आके मुझे आई लव यू बोलता है इसलिए मैं भी बोलती हूँ मुझे आज पता चल गया कि आई लव यू का मतलब क्या है हाँ दूसरे का आई लव यू मत बोलना ठीक है दूसरे का जो आई लव यू बोले सारा दुनिया का लड़का तुम्हारा लाभार बनने जाएगा आज सारा दुनिया का लड़का तुझे पीछे करेगा समझ गया तू है दूसरे का आई लव यू मत बोलना समझ गया अगर सारे लड़के मुझे प्यार करे तो ये तो मैं प्राउड फील करूंगी सबको तुम प्राउड कहाँ से सीखा वो तो अंग्रेजी शब्द है सारा अंग्रेजी शब्द तुम्हारा पहाड़ी शब्द है सारा अंग्रेजी शब्द तुम्हारा पहाड़ी शब्द है वो लड़की को भी डाल देखाता है को भी स्पर्ट देखाता है पहाड़ी लड़की है कि नहीं आप मुझे अलग ही बोल रहे हैं क्या आप मुझे प्यार करते हो सचमुच में हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ तुम मुझे साथ है बाहर निकला है बाहर निकला दूर से देख सकते हैं दूर से देखोगी देखोगी ठीक है देख लेना वहाँ पे तो एक आदमी का गर्दन कटा हुआ है अरे सही अरे वो कौन मालूम है दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट लादेन का नाम सुना है लादेन 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 हाँ वो जो लादेन प्लेन अमेरिका लादेन से भी वो लोग बड़ा है सबसे बड़ा टेररिस्ट वो लोग दुनिया को बर्बाद करने के लिए बर्बाद करते हैं और वही का ग्रुप
रोहित तो यही है। अभी मैं जंगल का भीतर जाऊंगा, नाप करके आऊंगा। मुझे डर लगती है यहाँ पे अकेले रहने के लिए। मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं, यह खतरा है, तुम जाने की जरूरत है, तुम यहाँ रहो, समझ गया? हर खतरा मैं फेस करूंगा, मैं डरने की कोई जरूरत नहीं। जंगली लड़के लोग मुझे लाइन मारते हैं, शहर के लड़के लोग आके मुझे आई लव यू बोलते हैं, और टूरिस्ट लोग मुझे सच्ची बोलते हैं, मैं क्या करूँ? मैं लाइन मारूंगा, मैं आई लव यू बोलूंगा और मैं सेक्सी बोलूंगा, दूसरा कोई नहीं बोलेगा, और कोई बोलेगा तो मैं इसको गोली मारूंगा, समझ गया? गोली मार दूंगा, गोली गोली। एक प्यार का एक्टिस हो जाए। मेरा बहुत भूख लगा है, बहुत भूख लगा है मेरा, क्या करूँ? मेरा सब खत्म हो गया। ठीक है, इधर में जंगली मुर्गी तो रोमांस कर रहा है, अंडे देखता हूँ मिलेगा कि नहीं। मेरा गॉगल्स तो सोर दिया है, अभी तो पावर इन सस में लगा। क्या है? अरे ऑटो मिल गया है। अरे 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 दो काम आया। हाँ, मुर्गा मुर्गी प्यार करके रहो और हमारा काम आया। दो अंडे मिले, हो गया है, तो खाऊंगा एक बार। देखता हूँ पुराना जमाना का काम आता है। काम आया, हाँ काम आ गया, काम आ गया। मौसम है, पेशाब ज्यादा लगता है। ठीक है, पेशाब करता हूँ। ताकती और पेशाब करने के लिए दूर रास्ता ज्यादा है, क्योंकि इधर में आदमी बंद नहीं रहता, लेकिन थोड़ा डर लगता है इस सीता पे। जब ताकती करके रहेगा ना, सीता उठा ले जा सकता है, थोड़ा होशियार रहना है। माधुरी का याद आता है, वो पहाड़ी लड़की बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आर्मी में तो बहुत डिसिप्लिन है, लेकिन घर में मेरा इतना डिसिप्लिन नहीं। हमारा आर्मी में मॉर्निंग तो जल्दी उठने पड़ता है, मॉर्निंग हम नहाता हूँ और इवनिंग समय भी नहाता हूँ, लेकिन दो तीन बार नहाता हूँ दिन में। वही बेबी दो तीन बार नहाते हैं, बहुत मार मुझे जॉकिंग करता है, मुझे सुना के सुना के बात सुनाता है। अरे तुम लोग को बोलने के लिए जरूरत क्या है? अरे मैं तीन बार के चार बार पाँच बार भी नहाता हूँ, ये तो मेरा बात है। फायदा मेरा आयुष लोग का नहीं, ऐसा कोई लॉस नहीं हुआ ना, तो बोलने का जरूरत नहीं। इंसान तो इंसान ही होता है, मांग भोजी भी है, तीन भोजी भी, लेकिन इंसान मांग भोजी की जरूरत नहीं, तीन भोजी इसके लिए अच्छा है। ऐसा बात है, इस दिन अभी इंसान सबसे बड़ा खतरा है, जानवर खतरा नहीं। जानवर से प्यार दिया गया तो वो भी संभल गया, लेकिन इंसान को प्यार देने से काम नहीं होता, क्योंकि इंसान हमेशा बुराई समझता है और अपने फायदे के लिए काम करता है। जानवर जब इसके साथ प्यार करके रखेगा, जानवर को आपको बहुत मोहब्बत करेगा, तो जानवर हमेशा आपका साथ देगा और बहुत खतरा से वो रक्षा करता है। लेकिन इंसान ऐसे इंसान की आपके फायदे के लिए वो आपको स्वरूप भी जा सकता है। मेरा जेंट्स का बारे में ये लड़की तो जवान हो गई, इस लोगों को अच्छी तरह से ट्रेनिंग दे देना। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके ठीक। तुम जाओ अभी। तुम लोग यहाँ रहो, इस लड़की को हम जंगल में
ये नहीं देंगे, चलो चलो मेरे साथ, चलो 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 मेरे साथ। अरे तुम्हारे बंदूक में तो चौकली गोली है, तुम कैसे मारोगे मुझे? नहीं जाऊंगी। चलो जाओ। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। हाँ मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। हाँ सुल्तान गोली चलाओ उसको। मैं उन लोग का आदमी नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। अबे तुम कौन हो? साले वर्ल्ड में हंगामा लगाने के लिए आए हैं? हिंदू ख्रिस्तान मुसलमान मेरे लिए सब समान, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम ख्रिस्तान हो, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम लोग है सिर्फ इंसान, इंसान इंसान, हर धर्म का एक नीति है और एक मार्ग है, वो है शांति शांति शांति। तुम लोग टेररिस्ट हो के, टेररिस्ट का ग्रुप का नाम किया दिया, धर्म का नाम दे के सारे वर्ल्ड को हंगामा करने के सोचता है? प्यार मोहब्बत पे रहता है हिंदू ख्रिस्तान मुसलमान, आज तुम लोग साले तोड़ना सोचता है, तोड़ना सोचता है, तोड़ना सोचता है। तुमको नहीं सुनूंगा सर, इज्जत लूटने सोचता है, हाँ? गोली मारने के लिए आया मैं तुम लोग। भैया मैं उसको मारूंगी। नहीं ठीक है, मुझे छोड़ दो। ठीक है तुम मारने सोचता है तो मारो, गोली मारो, मुझे छोड़ दो बहन, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, हाँ मुझे मत मारो बहन, मुझे मत मारो, मुझे बहन बोला, मुझे मत मारो बहन बोला। सुल्तान गोली चला, जल्दी जल्दी सुल्तान, सुल्तान गोली चला, जल्दी जल्दी सुल्तान। हम लोग बहुत गलत काम किया है भाई, हम बांग्लादेशी है, तू पाकिस्तानी और वो लड़की हिंदुस्तानी है, लेकिन हमारा ही धर्म की लोग है, जो उसका जान बसाया वही हिंदू धर्म के लोग है, हिंदू ख्रिस्तान और मुसलमान सब लोग प्यार से रहते हैं, लेकिन वो तालिबानी हमको बर्बाद कर दिया है। अब्दुल तुम जानते हैं कौन है? कौन है दीदी? इन्होंने मेरी जान बसाई। तो सपोर्ट करता है क्या? नहीं करती है। करता है तुम लोग? नहीं। तुम्हारा नाम? अकबर अली। और तुम्हारा? बिजू रहमान। मेरा नाम अब्दुल है। और तुम्हारा नाम? फैजिया। वो लोग जो सोचता है वो लोग दूसरा सोचता है, समझ गया? क्या सोचता है? हिंदू ख्रिस्तान मुसलमान का सब विभेद आने के लिए सोचता है वो लोग, समझ गया? तो इस लोग को सपोर्ट मत करना, समझ गया? हम कभी नहीं सपोर्ट करते उन लोगों को। हाँ ठीक है, तुम लोग घर जाओ। थैंक यू सर, खुदा आपको मदद करे। ओके गो। हाँ उस रास्ते से चले जाना। हाँ उस रास्ते से। अभी इस लोग को देखूंगा मैं साले। और हम इस प्यार मोहब्बत को तोड़ना चाहते हैं। हम लोग तालिबान को सपोर्ट नहीं करेंगे भाई। हाँ हाँ नहीं करेंगे। हाँ नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश हमको सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए हम उस लोग को गोली मार दिया। माधुरी का याद आता है, माधुरी माधुरी कभी स्मार्ट लगता है या कभी डाल लगाता है, मेरा तो संदेह हो गया इसको। मिशन खत्म होने के बाद मैं माधुरी को मिलूंगा और मेरा शादी का प्रस्ताव दूंगा। लेकिन 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 एक बात है जो हम एक दो बच्चा पैदा करूंगा और उनके बाद दोनों अलग अलग बेड में सो जाऊंगा, क्योंकि एक साथ रहूंगा तो तीसरे बच्चे का मुख देखूंगा, उनके बाद मेरा नौकरी चला जाएगी सरकारी नियम से, लेकिन प्रकृति का वो नियम नहीं। हिंदू ख्रिस्तान मुसलमान प्यार से रहता है और कोई लोग इसको तोड़ना सोचता है, कोई गौरामी लोग। हिंदू का भी गौरामी है, मुसलमान का भी गौरामी है, और
पाकिस्तान का भी कोई गोरामी है और इस गोरामी लोग ने पृथ्वी को विनाश करने सोचते हैं अपने अपने धर्म के लिए। गीता कुरान बाइबल जिसने लिखा है वो भी इंसान है। हमारा जैसा नॉलेज है इस लोग का ऐसा ही नॉलेज है, ऐसा नहीं जो हम लोग से इसका लोग नॉलेज बढ़ा है, ऐसा नहीं। हम भी जानते हैं अच्छा है क्या बुरा है क्या, लेकिन गीता का बाइबल का कुरान का जो सच बात है इंसान के लिए जानवर के लिए हर चीज के लिए अच्छा है, यही सच बात बाइबल कुरान भागवत से ले लो। और जो बात समाज के लिए अच्छा नहीं दूसरे को हार्म करता है इसको छोड़ो और सुधार के लेना अच्छा होता है। Wondrous Army. काम क्रोध लोभ मोह और सार रूपी है। लोभ को कोई दमन कर नहीं सकता। लोभ पर पड़ के इंसान बहुत खराब काम करता है, संस्कृति को बर्बाद करता है लोभ में। मैं तो 3 रुपए का दमन किया है लेकिन मैं क्रोध को दमन नहीं कर सकता। इंसान ने मैं मुझे क्रोधी बनाया। टेररिस्ट लोग इस दलंग पार होके आता है। 3 आदमी आए सर। इस दलंग को ब्लास्ट कर दूंगा सर। ब्लास्ट ब्लास्ट ब्लास्ट। A wondrous army. A wondrous army. A wondrous army. मैं इस लोग को ऐसा प्लान करके मारूंगा जो इस लोग को मालूम नहीं होगा। मालूम नहीं होगा। पहले मैं आग जलाऊंगा और आग का धुआं ऊपर जाएगा और धुआं देखने के लिए इस लोग का आदमी जरूर कोई आएगा, एक और दो भी आ सकते हैं। और जब आएगा इस लोग को मैं मार डालूंगा। इसके बाद जो लोग आपस नहीं जाएगा और किसी को भेजेगा और इसको भी मारूंगा मैं। मैं ऐसा प्लान करके मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी मैं सुख के रहूंगा। वहां गए शेर देख के आओ जाओ। अरे वो लोग आएगा आ गया। अब कोई जलाता है लेकिन आदिवासी नहीं, जरूर कोई दूसरा है। आदमी को मार डाला, कोई दुश्मन है देखो इधर। डॉन बनता है वर्ल्ड का। आओ, कम। Wondrous Army.
लेकिन तुमको मैं आज नहीं मारूंगा क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। मेरा बर्थडे है आज। सारे इसका मालूम नहीं होता, इसको मालूम नहीं था बर्थडे है मेरा। मैं देख दे कोई बात मिले इस सब में नहीं मानता, लेकिन इसको क्यों सोचता हूँ मैं? मैं इसलिए सोचा क्योंकि इसके बैग का भीतर में मैं बम लगा दिया, प्लेन बना के इसको भेज दिया, जिसके साथ वो लोग भी मारे जाए। अरे क्या हुआ सम्राट? वो हमारा दुश्मन है। टिकट कहाँ कर रहा है? ये बम है। आदिवासी और जंगली आदमी जो है वो सिगरेट नहीं पीता, वो कोई जरूर टेररिस्ट होगा, बड़ा टेररिस्ट। दादा जी ग्रुप नहीं मिला क्योंकि वो फेंक के गया, दादा जी ग्रुप नहीं मिला इसको प्रो करता है। आदिवासी डांस कर रहा है, रोमांस कर रहा है, कनाडा रोमांस। इसलिए आदिवासी से कोई खतरा नहीं, आदिवासी से कोई खतरा नहीं। टेररिस्ट ग्रुप्स आर इंक्रीजेस डे बाय डे इन द वर्ल्ड। व्हाई होल सिविलाइजेशन डिड नॉट लॉन्ग लास्ट? बिकॉज दे आर वेर सराउंडेड बाय बारबरियंस एंड बारबरियंस वेर ऑलवेज अटैक द सिविलाइज कंट्रीज विदाउट एनी कॉज एंड डिस्ट्रक्ट द कंट्री। Those old civilizations did not long last. According to my opinion, new civilization will be not lasting like old civilization for the causes of terrorist groups and educated person. Old civilization जैसे विनाश होता है barbarians के लिए, और इधर अभी new civilization भी विनाश हो जाएगा सिर्फ terrorists के लिए, terrorists के लिए, terrorists। जितना पेनी मिलता है हमको भी इतना ही पेनी मिलता है। मैं ऐसा नहीं हूं, मेरा नशा दूसरा है, इसलिए मुझे क्या बोलता है अंदरास डेंजरस एंड पार्मलास। वंड्रस आर्मी फिर सच से पहर करता है, इस सच से वंड्रस आर्मी। जंगल में घूमना बहुत मुश्किल है। अपने पास पसीना निकल गया। अभी तो विंटर जाके समर आ गया, गर्मी भी पड़ गया। सब दार्शनिक लोग ठीक है बोलता है, लेकिन एरिस्टोटल सब कुछ ये कम्युनिज्म एंड वाइस कम्युनिज्म एंड प्रॉपर्टीज वो जो हटा है देश में नागरिक का लोग वो देश आइडियलिस्ट बन सकता है, आइडियलिस्ट।
लेकिन आज तक तो आदर्श स्तर कोई स्टेप नहीं, सब दुर्नीति पर है, दुर्नीति में। और इस दुर्नीति के लिए न्यू सिविलाइजेशन भी ओल्ड सिविलाइजेशन की तरह बर्बाद बर्बाद हो गया, एक दिन फिनिश हो जाएगा, फिनिश फिनिश फिनिश। प्रकृति का जो नेचर है इसको तोड़ के इंसान अपर जाने सोचता है, अपर जाने सोचता है, जानबूझकर इंसान विनाश करता है प्रकृति को। और विनाश होकर के विनाश होकर विनाश होकर एक दिन यही हमारा जो वर्ल्ड है न्यू सिविलाइजेशन फिनिश 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 हो जाएगा, ओल्ड सिविलाइजेशन की तरह, ओल्ड सिविलाइजेशन की तरह। जंगली जाने रहे नहीं है, टूरिस्ट बन क्या है? गोली मार दूंगा। वंड्रस आर्मी, डोंट मूव। वंड्रस आर्मी, लाडेन का माफिया आदमी है तू, है तुम बहुत छलक आदमी हो, बहुत अच्छा लगता है मुझे तुम्हारा साथ। हाँ मैं टूरिस्ट बन के आया, लेकिन मैं आर्मी कैप्टन, कैप्टन आर के नाम से मुझे पुकारता है, आर आर के। और तुम लोग क्या करते हैं? धर्म का नीति को तोड़ता है, खून खराबा कोई धर्म पसंद नहीं करता। और तुम लोग क्या क्या है? टेररिस्ट ग्रुप का नाम किया गया है, धर्म का नाम दिया है, धर्म का। और धर्म का नीति को तुम लोग तोड़ता है, तोड़ता है, इंसान को खून करता है, मुंडा काट के फेंकता है इंसान का। क्या यही है धर्म का नीति है? यही धर्म का नीति है तुम्हारा है? हमारा धर्म का आदमी वर्ल्ड पर हर स्थित में रहता है और हम लोग को जरूर शपथ करेगा और हर स्थित में हमारा ग्रुप बनाऊंगा और होगा टेररिस्ट का सबसे बड़ा ग्रुप और हर स्थित में संतरख पैदा करूंगा। मुझे मरने के लिए आया तू? तुम बस के जाएगा क्या? अरे हमारा आदमी तो सारी तरफ से राइफल लेके घूम रहा है। छोटा सा गुस्सा से तुम्हारा पेन हो गया, अभी मालूम है ना पेन क्या चीज होता है? है मालूम हो गया अभी? है हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। इस टाइम तू हंसता है ना मुझे क्या, कि मैं यहाँ से जाऊंगा कैसे? अरे मैं तो आर्मी हूँ, आर्मी आर्मी मरने के लिए आता हूँ, डर किसी को नहीं होता, समझ गया तू? तुम तो हाथ में पिस्तौल लेके हमारा सामने गुंडामी दिखाता है ना, हाथ में पिस्तौल लेके है? मैं हाथ में पिस्तल लिया, तुम भी तो राइफल ले घूमता है और अभी हार मानता है क्या? तुम बहुत बहादुर, तुम तो बहादुर दिखाता है। अरे मैं यहाँ रोमांस करने के लिए नहीं आया, जंगल में रोमांस करने के लिए नहीं आया, मैं इसलिए तुम लोग को मारने के लिए, क्योंकि मैं आर्मी हूँ, आर्मी कैप्टन आर के मेरा नाम है। अभी हमारा हाथ में पिस्तल नहीं है,
पिस्तौल यहाँ रख देता हूँ। कितना हिंदू मुस्लिम ख्रिस्तान एक साथ रहता है और वो लोग साले तोड़ने सोचता है, तोड़ने सोचता है, प्यार से एक साथ स्कूल में पढ़ता है हिंदू ख्रिस्तान मुसलमान और वो लोग तोड़ना सोचता है। दो आदमी आ रहा है हाथ में राइफल ले और टेररिस्ट होगा वो इस तरफ। अभी क्या करना है? पिस्तौल से पटा कौन है ये? शूट कर दो इसको। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कुछ नहीं है। आप लोग जैसा है हम भी ऐसा है ना, हम लोकल टेररिस्ट हैं और आप हैं इंटरनेशनल टेररिस्ट, इसलिए हमको थोड़ा मदद चाहिए। क्या मदद चाहिए? हमको हथियार चाहिए। हथियार घर में रखने के लिए नहीं देता हूँ, इसको यूज करना पड़ेगा। हथियार दे सकता हूँ, हथियार लेके बम ब्लास्ट करो, दूसरे को गोली मारो, यही हम चाहता हूँ। ठीक है, हम समझ गया। इसको मैं पहले कभी देखा हूँ लेकिन कहाँ देखा सर, ये तो आर्मी है लेकिन टूरिस्ट बन के आ गया। पहचान गया मुझे, मैं आर्मी हूँ। हाँ मैं आर्मी हूँ, दूसरे आर्मी के साथ मेरा नशा नहीं मिलता है। मैं आर्मी हूँ, आर्मी हूँ, आर्मी आर्मी डेंजरस आर्मी, डेंजरस आर्मी। कोई बोलता है मुझे अंधरास, कोई बोलता है मुझे डेंजरस, और कोई बोलता है मुझे मार्वलस। देखता हूँ कौन आएगा और इसको भी मैं ऐसे ही मारूंगा। कौन है यो? हमारा आदमी को मार रहा है, यहाँ जो भी आता है मारा जाता है। वो आदिवासी का काम नहीं हो सकता क्योंकि आदिवासी के हाथ में हथियार नहीं होता है। बॉस, हम एक टूरिस्ट आदमी को देखा है और टूरिस्ट आदमी के साथ हथियार है। हम इधर में गया लेकिन इसको मिला नहीं। क्या? वो तो टूरिस्ट नहीं है, वो आर्मी है। राइफल जमीन में रखो, रखो। क्या बोला? मैं आर्मी। ठीक है बोला तू, ठीक है बोला, मैं आर्मी हूँ, कैप्टन, और टूरिस्ट बन गया, टूरिस्ट टूरिस्ट टूरिस्ट, समझ गया, मैं टूरिस्ट बन गया। शहर का आदमी और टूरिस्ट जो लोग यहाँ आता है मार डालता है तुम लोग, और यही पता लगाने के लिए मैं यहाँ आया टूरिस्ट बन के, एक आर्मी। मैं बहुत खतरा आर्मी हूँ, डेंजरस, अंदरस एंड मार्वलस, ऐसा नाम से मुझे पुकारता है हर लोग। तुम यहाँ से बस कर किधर जाएंगे? सारी तरफ जंगल में हमारा आदमी खेरा हुआ है, तुम बस नहीं जाएगा यहाँ से, सिर्फ मरेगा मरेगा मरेगा। क्या हंसता है तू है? तुम्हारा जो आदमी है इस लोग को मार के आया, तुम्हारा एक सम्राट को मैंने मार के आया, आज तू मर जाएगा, बहुत बड़ा सम्राट। अप अप हट।
Wondrous Army. बोले मिला नहीं, बहुत दिल करता है मिलने के लिए। हमेशा तुम्हारे याद आता है, हमेशा याद आता है। तुम्हारे याद आता है? हाँ, मुझे भी आती है यार, क्या करूँ? सिर्फ याद है हमारा किसी। हेलो राज। हाँ सर, बोलिए। मिशन क्या हुआ? हाँ सर, मिशन ठीक ठाक है। अभी मुझे डिस्टर्ब मत करना सर, क्योंकि मैं पहाड़ी लड़के सर रोमांस कर रहा हूँ। रोमांस कर रहा है? अरे करो करो करो। क्या आज आप रोमांस करने का ऑर्डर दे दिया? रोमांस करके रहो, करके रहो, करके रहो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। और इस दिन से मैं पहाड़ी से लड़के के साथ रोमांस कर रहा हूँ ना, आप बोला है पहाड़ी लड़के तुझे काटेगा। आज आप रोमांस करने का ऑर्डर दे दिया, मगर क्यों? क्योंकि वो मेरी बेटी है। क्या आपका बेटी है? वो बहुत छालू लड़की है। तुम्हारा सब प्यार हो गया, एक्स हो गया, रोमांस हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। हम पहले सोचा वो पहाड़ी लड़की दूसरी है, लेकिन जब बेटी ने फोन किया मुझे मालूम हुआ वो पहाड़ी लड़की दूसरी नहीं, वो मेरा बेटी है। तब तो मुझे बहुत खुशी मिला। दोनों बाप बेटी बेशरम है, बेशरम बेशरम। हाँ हम मेजर है, लेकिन दिल खुला है और दिल खुलकर बात करता हूँ। हाँ सर, आपका तो दिल खुला है और हमेशा आपका दिल खुला है, खुला ही है। ड्रिंक्स एंड मेरी मेरी मेरी, प्यार हो गया, एक्स हो गया, रोमांस हो गया, और मैं जल्दी नना बन जाऊंगा। कौन है तुम? मैं कौन हूँ? कौन हूँ का मतलब, मैं माधुरी हूँ। झूठ मत बोलना, मुझे झूठ बिल्कुल पसंद है। झूठ मत बोलना, तुम कौन हो? मैं माधुरी ही हूँ। तुम माधुरी नहीं, तुम मेरे साथ नाटक करके रहते हो। हाँ माधुरी नहीं, मैं डीएसपी हूँ प्रियंका, और मेजर साहब मेरा डैडी है, मुझे हेल्प मांगा डैडी से। हेलो डैडी। हाँ बेटी बोलो। मेरे इलाका में एक बहुत बड़ा जंगल है, लोग अंदर जाते हैं मारा जाता है, क्या रहस्य है मालूम नहीं, मुझे आपका हेल्प चाहिए डैडी। बेटी तुम चिंता मत करना, मैं मेजर हूँ और तुम मेरा बेटी है। मेरे पास एक ऐसा आर्मी है जो दूसरे के साथ नहीं मिलता। ही इज वंडरस, डेंजरस एंड मार्वलस, और रिफॉर्मर, नाम है राजकुमार, राजकुमार राजकुमार। हाँ डैडी, मैंने उसका नाम सुना है। Yeah, I knew he is dangerous, wondrous and marvelous. लेकिन मैंने उसे देखा नहीं। मैं उसको भेज देता हूँ। दीदी। हाँ दीदी। तुम्हारा शादी नहीं हुआ, उसका भी शादी नहीं हुआ। आप मुझे हमेशा शादी का बात क्यों करते हो? मैं उसको बहुत सच करता हूँ, और पता लेना उसको जल्दी। आपने मुझे ऐसा बोला? अरे आर्मी हूँ ना, दिल खुल के बात करता हूँ। इट ड्रिंक्स एंड मेरी, ऐसा ही है आर्मी लाइफ। मैं उसको भेज देता हूँ। ठीक है डैडी, आप उसे भेज दीजिएगा। हर मिशन में मैंने आपको साथ दिया, आपने हर मिशन में कामयाब हुआ, और मुझे ये सब देख देख के मुझे आपसे प्यार हो गया। मुझे आपसे पहले से प्यार था, लेकिन आपका मिशन और कामयाब देख के मुझे और ज़्यादा प्यार होने लगा। तुम जैसे बांधुरी हो और इसको मैं प्यार करूंगा, प्यार करूंगा मैं तुमको। क्या मुझे बांधुरी बोला? मुझे? हाँ हाँ बांधुरी है, तू बांधुरी है तो बांदरी हो, बांदरी बांदरी। तो बाप बेटी दोनों बहुत पैसा लगे। इतने लड़के मुझे लाइन मारते हैं, इतना लड़का मुझे अलग बोलते हैं, कितना लड़का मुझे सेक्सी बोलते हैं, और ये बेईमान करते हैं मुझे बांदरी बोला। हाय माधुरी माधुरी माधुरी, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। तू बेईमान किसको बोला? मैंने बेईमान नहीं बोला। तू बेईमान किसको बोला? मैंने बेईमान नहीं बोला। क्या बोला तू? मैंने बोला कि आप बहुत महान हो। मोहन बोला, चाली देके गया और तू मोहन बोलेगा? हैं मोहन बोलेगा मुझे? हैं तू बाप बेटी दोनों बहुत सलाह है, दोनों सलाह है। जंगली लड़का तुझे लाइन मारता है? हाँ मारता है।
शहर का लड़का तुझे आई लव यू बोलता है, टूरिस्ट लोग आके तुझे सेक्सी बोलता है, बोलता है। मगर क्यों बोलता है? क्योंकि तुम बांदुरी नहीं हो, तुम सुंदरी हो, सुंदरी समझ गया तू है, सुंदरी हो। Do you love me? Yes. हेलो, अरे जान तुम कहा है, ड्यूटी पर है। अरे आ जाना जल्दी, जल्दी आ जाए, अरे बाहर जाएगा, रोमांस भी करेगा ना, आ जाओ जल्दी, आ जाओ।